हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस समय स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसे आप स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे। आज है 31 जुलाई 2022 रविवार की ये लेटेस्ट अपडेट है। शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित कर दिया है। कहाँ की लेटेस्ट न्यूज है हम विस्तार से जानेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बरेली डिस्ट्रिक्ट से ये न्यूज़ आ रही है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने शनिवार को किए आदेश में बताया है कि 1 अगस्त यानी कि कल सोमवार को, ठीक है, सावन का तीसरा सोमवार होने के अवसर पर कांवड़ियों द्वारा विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना की जानी है, जिसके कारण मुख्य मार्गों एवं महानगर में काफ़ी संख्या में कांवड़ियों के आने जाने से जगह जगह जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस कारण दुर्घटना होने और छात्र छात्राओं के आवागमन में असुविधा हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए बरेली महानगर के यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड से संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं और इसके अलावा दिल्ली रोड एवं बदायूं रोड के 5 किलोमीटर की परिधि में उपरोक्त बोर्डों से संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं, टेक्निकल कॉलेजेस, महाविद्यालयों यानी कि जो आपके डिग्री कॉलेजेस होते हैं ये महाविद्यालय, इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, इसके साथ साथ अन्य सभी शिक्षण संस्थाओं में कल यानी कि सोमवार 1 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई होगी, उसके बारे में यहाँ पर नीचे बताया गया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय या अन्य किसी शिक्षण संस्था में किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय आयोग द्वारा पूर्व आयोजित परीक्षा निर्धारित है तो वह यथावत होगी। यानी कि अगर किसी भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम अपने तय समय पर ही होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं है उनमें यहाँ पर छुट्टी कर दी गई है और उन स्टूडेंट्स की कल छुट्टी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चाहे आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, आपका अगर एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।